हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वैसे तो ये एक डिमांड वीडियो है क्योंकि कई कमेंट्स आए हुए थे मेरी पुरानी वीडियो पे कि आप भाई इसका साइलेंसर का रिव्यू दो या क्या इसका मतलब माइलेज क्या घट जाती है, स्पीड का जो भी इस पर इफेक्ट पड़ता है और क्या इसकी कॉस्ट पड़ती है लॉन्ग पंजाब की। तो मैं इसका रिव्यू दूंगा और मतलब ये लगाए हुए, इस साइलेंसर को लगाए हुए मुझे कम से कम 2 साल से ऊपर हो गए इस बाइक में और कम से कम ये 23,000 किलोमीटर ये बाइक राइड हो चुकी है। और मैं मतलब इसमें पूरी आपको साउंड की डिटेल और पूरी दूंगा। वैसे तो मैंने अपनी इस बाइक की पूरी एक एक एक्सेसरी के ऊपर 2-4 वीडियो बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो ये साइलेंसर किन के लिए है भाई? अगर आप ऐसे बंदे हैं कि जिसको साउंड तो चाहिए पर ऐसी ज़्यादा कानों में चुभने वाली साउंड ना चाहिए, तो आपके लिए साइलेंसर बिल्कुल परफेक्ट है। इसका नाम मार्केट में 2 नाम से आता है, लॉन्ग पंजाब और लॉन्ग बोटल एग्जॉस्ट बोल सकते हैं इसे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है इसमें ना, देखिए आपका जो ये है, ये वाला पोर्शन जो गार्ड होता है वो लग जाता है और ये इसकी जो लेंथ आती है ये ओरिजिनल साइलेंसर से मैच करती है, तो इतना कुछ पता नहीं चलता कि आपने मॉडिफिकेशन कर रखी है या नहीं कर रखी। और ऐसे यहाँ से इस बैंड पाइप में लग जाता है नॉर्मली, कोई इसमें फिटिंग में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एक यहाँ पे इसका क्लैंप लगा हुआ है और एक इधर भी होता है पीछे यहाँ पे। तो और काफ़ी मतलब 2 साल होने के बाद भी बस, पर इनकी क्या होती है देखिए, सिलमन ब्रांड का है यहाँ पे लिखा हुआ, आपको दिख रहा होगा। इनकी क्या होती है ये देखिए, जहाँ पे कपड़ा नहीं लगता वहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब आफ्टर मार्केट तो अच्छी हो, अब कितना ही अच्छा चले जाओ जो कंपनी चीज़ देती है उसकी होड़ नहीं कर सकते आफ्टर मार्केट जो चीज़ें होती हैं। ये देखिए नीचे इसमें अच्छे से रस्टिंग स्टार्ट हो गई है, पर फिर भी मेरे दोस्त का जो डलवाया था, हम तो जैसे कपड़ा मारते रहते हैं इस पर, उसका तो यहाँ से फट भी गया है। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। अगर माइलेज की बात करें हम, तो माइलेज एग्जॉस्ट डलवाने से पहले मेरे को मिल रही थी 45 की, 45 के अराउंड मिल जाती थी आराम से। और एग्जॉस्ट डलवाने के बाद जो माइलेज में ड्रॉप आया है वो 1 किलोमीटर का या 1.5 किलोमीटर का तो ड्रॉप आया है। और हाँ, अब 45 तक नहीं जाती माइलेज पूरी, पर हाँ 43-44 भी अच्छी माइलेज दे रही है। और जो इसकी कॉस्ट पड़ी थी उस टाइम पे मेरे को 750 रुपये पड़ी थी, सिलमन ब्रांड का है ये। और इसमें 50 रुपये इसकी लेबर चार्ज थे जो फिटिंग के, जो मतलब पत्ती वत्ती आती है इसकी उसको मिला के। और वैसे और भी ब्रांड आते हैं पर सिलमेन के थोड़े ट्रस्टेड हैं, सिलमेन के और भी मतलब साइलेंसर आते हैं छोटा पंजाब और भी तरह तरह के, पर ये है इसकी जो साउंड है ना, मतलब ज़्यादा कानों में चुभती नहीं है और डिसेंट साउंड है, ज़्यादा लाउड भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, सही मतलब बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर इसको आप ज़्यादा लाउड करना चाहें तो यहाँ पे सी वाला बैंड लगा दे, फिर तो थोड़ी सी रेस छोड़ते ही ये टक्का मारता है। अभी देखिए मैं ऐसे खेतों में आया हुआ हूँ, क्योंकि आप जैसे अगर मैं साउंड की वीडियो जैसे पटाखा वगैरह अगर नॉर्मल एरिया में मार के दिखाता तो वो सही नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि इन्हीं जो ये पटाखे मारते हैं इनकी वजह से रूल्स ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं और हम जैसे भी बुलेट में एग्जॉस्ट चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि अब कई जो मतलब क्या बोलूँ उनको मैं, क्या उपाधि दूँ, जैसे खाम खा पटाखे मारते रहते हैं उनसे क्या होता है लोगों को डिस्टर्बेंस होती है और भी कई चीज़ें होती है, जानवर भी डिस्टर्ब होते हैं, तो पटाखे एक तो सबसे पहले ना मारें। चलो मैं एक बार आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, फिर एक बार चलती बाइक में भी इसकी साउंड सुनाऊंगा। तो आइडल पे कुछ इसकी ऐसी साउंड आती है। पटाखा भी मार के दिखाया, वैसे पटाखे आप मत मारना प्लीज़, इससे बाइक के इंजन पे भी इफेक्ट पड़ता है और लोग तो परेशान होते ही हैं। तो इसकी जो साउंड आती है आपने देखा, ऐसी चुभने वाली साउंड नहीं आती कि भाई बिल्कुल ही सर में दर्द हो जाए या ऐसा कुछ। और 750 रुपये का ऐसा कोई महंगा भी नहीं है, बस इसके चालान ज़्यादा महंगे हो गए, 10,000 का चालान आपको देना पड़ता है अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हैं। तो मेरी बाइक तो बिल्कुल लोकल एरिया में चलती है, मेन रोड पर जाती नहीं है मतलब। तो फिर भी लेकिन आप कोशिश करें कि आप ऐसे एग्जॉस्ट लगाने से बचें, और अगर लगवाना है तो या तो अंदर
कोशिश करें कि जैसे फिल्टर्स वाले आ रहे हैं आजकल, जिनमें जैसे किसी में जाली वाला फिल्टर होता है, एयर मतलब मैश टाइप होता है, किसी में मतलब डीबी किलर भी लगा होता है, पर बुलेट के में डीबी किलर का कोई बेनिफिट नहीं होता। और वो जो उनकी जो एग्जॉस्ट की आवाज़ आती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं आती, थोड़ी मतलब ना अजीब सी, जैसे आपको जैसे दम घोट दिया हो उस टाइप की सी आवाज़ आती है, फस 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 अजीब सी बिल्कुल। तो वो साउंड ना मतलब अच्छी नहीं लगती, तो उसके मुकाबले तो ये ठीक है। इसकी साउंड क्या है, जैसे आप देखना आइडलिंग पे अगर बाइक चलती है, तो मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा चलते टाइम, मैं आपको चला के दिखाऊंगा ना, जब आप चलते टाइम नोटिस करना कि बाइक ना बिल्कुल ही साइलेंट हो जाती है चलते चलते। एक मिनट, ये देखिए आइडल पे इसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी आपको, जो ओरिजिनल थंप आता है वैसी आवाज़ तो मैच नहीं होती, पर हाँ एक अच्छी आवाज़ आती है। पर अगर आप मान के चलें जैसे हाईलाइट नहीं होने देती है बाइक को एकदम से कि हाँ भाई इसमें एग्जॉस्ट चेंज हुआ हुआ है, अगर आप बिल्कुल रेस डाउन कर दें और माइलेज वाले तरीके से, यानी कि हाई गियर और लो आरपीएम पे अगर आप चलेंगे, तो इसकी साउंड बिल्कुल एक मैच हो जाती है। और अगर आप 50-60 की स्पीड पर क्रूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही साइलेंट हो जाती है। ये साइलेंसर जब आवाज़ करता है, जब या तो आप छोटे गियर में हो या आप बड़े गियरों में बहुत ज़्यादा हाई रैव कर रहे हो, तो रैव करने से तो देखो कोई फ़ायदा नहीं, माइलेज भी बढ़िया मिल जाती है अगर आप कम रैव करते हुए चलते हो तो। और क्या था, और तो मैंने लगभग सब बता ही दिया। एक बार आपको इसके चलते हुए भी साउंड सुना दूंगा, लेकिन प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोग देख लेते हो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। और वीडियो शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपने बुलेट में एग्जॉस्ट वगैरह लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे अभी फ्रेंड का चलान हुआ है 10,000 रुपये का, भादरगढ़ से था वो, 11,000 का हुआ उसका, और भी किसी चीज़ का चलान हुआ था, तो एग्जॉस्ट को मिला के और मतलब टोटल 11,000 का उसका चलान हुआ है। तो अगर एग्जॉस्ट लगाना है तो भाई पटाखे मत मारो, सबसे मेन बात तो प्लीज़ पटाखे मारने से बचो, क्योंकि आपको दिक्कत आपके थोड़े से मज़े के ऊपर, किसी का मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसको हार्ट अटैक आ जाए, वैसे तो कॉमन तो होती नहीं है ये चीज़ें, पर फिर भी अगर रेयरली 100 में से 1 लोगों को भी हो गया, तो सोचो आपको कितना बुरा लगना चाहिए कि आपकी वजह से किसी की जान चली गई, या वो मतलब इतना उसको शौक लग गया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो एक बार चलो मैं चलते हुए रोड पे और इसकी साउंड सुना देता हूँ कि जब बाइक रोड पे चलती है तो कैसी इसकी साउंड आती है। चीज़ और रह गई थी कि पिकअप पे और स्पीड पे पावर पे क्या असर पड़ता है एग्जॉस्ट लगाने से। तो पावर तो ऐसी बढ़ती तो है नहीं ना, इससे इंजन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है इंजन पे, पर मेरी माने तो आप फिर भी फर्स्ट सर्विस होने के बाद ही लगाएं, मैंने भी फर्स्ट सर्विस होने के बाद ही एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाया। और स्पीड और पिकअप तो सेम रहती है आपकी, बस थोड़ा सा आप जैसे मतलब आवाज़ आने लगती है तो आपको रेव करने का थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है कि आप रेव करें, आपका मन करता है कि आप बस रेव मतलब जो नॉर्मल से ज़्यादा रेव करें, और इसी वजह से ऐसा पावर ड्रॉप तो ऐसा कुछ नहीं है ना, पावर पिकअप में मेरे को कुछ ऐसा फ़र्क लगा। हाँ वैसे कई लोग कहते हैं कि इफ़ेक्ट पड़ता है, पर मेरी बाइक पे तो कोई ऐसा इफ़ेक्ट पड़ा नहीं है।